Now next, another program in that case we are calling main function recursively. Is main function kaisa hai? As a predefined structure. Structure kaisa hai? As a predefined. Isko user defined code provide karna possible in that case. Main function itself call kisko ho raha hai? Again main. Means main ko bhi recursively call karna possible hai. Strongly yaad rakhna is case mein two variables. Jab bhi main call ko main ke andar two local variable ya two local declarations provide kiye x and y ke liye. X ka storage class found ho raha hai as a static. Y ka storage class found ho raha hai as a auto. Then what is the difference? First of all, जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, then सबसे पहले परफॉर्म क्या होगा? मेमोरी एलोकेशन ऑफ स्टैटिक वेरिएबल x. That things. One more things. In that case, स्पेशल केस क्या है? ओनली दैट वन. तो इस केस में इसको मार्क कर रहा हूं जो स्टेटमेंट 1 2 मींस बॉडी ऑफ इफ. रिमेनिंग केस कैसे रहेंगे? वेल अंडरस्टूड. मीन्स एवरी टाइम आपको फाइव स्टेटमेंट परफॉर्म कराना है. वन मोर थिंग, इस केस में कोड काफी लेंथ, इसलिए यूज करेंगे एज अ स्टैक डायग्राम. इन दैट केस दिस वन इज अ स्टैक डायग्राम. सबसे पहले परफॉर्म क्या होगा? एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर स्टैटिक वेरिएबल x. x ओनली वन टाइम क्रिएट होगा इनसाइड डेटा एरिया. सपोज दैट दिस वन इज अ डेटा एरिया. हियर इनिशियल वैल्यू ऑफ x इज 2. नेक्स्ट वन आउटपुट डिवाइस 1. वी आर राइटिंग और प्रिंटिंग आउटपुट हियर. नेक्स्ट वन, एवरी टाइम जब भी मेन फंक्शन कॉल होगा तो मेन के लिए फाइनली टोटल फाइव स्टेप परफॉर्म कर रहा हूँ रिगार्डिंग दिस इफ स्टेटमेंट. इफ कब तक चलेगा? जब तक एक्स का वैल्यू जीरो नहीं हो जाता. जैसे इस केस में जीरो पास हो देन कंडीशन बिकम्स फॉल्स. एवरी टाइम जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल एवरी टाइम मेन के अंदर एंटर हो देन एवरी टाइम मेमोरी किसके लिए एलोकेट होगा? ओनली फॉर ऑटो वेरियबल वाई. वाई बार बार क्रिएट होगा जबकि एक्स ओनली वन टाइम क्रिएट हो रहा है. देन फाइनली जब मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट मार्क किया जाए 2. देन जब मेन कॉल होगा तो मेन के केस में सबसे पहले कंट्रोल का स्विच होगा डायरेक्टली इनसाइड बॉडी. मीन्स परफॉर्म किया मेमोरी एलोकेशन फॉर वाई. इन दैट केस वी आर एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर वाई. व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई? वैल्यू ऑफ वाई इज 2. वन मोर थिंग्स, इस मेन के रिस्पेक्ट में टोटल इफ कंडीशन फर्स्ट टाइम कैसा? ट्रू के. इफ के अंदर एक्स के प्लेस पर क्या पास होगा? वैल्यू एज 2. ये सीक्वेंस क्या? 3 4. वैल्यू क्या पास हो रहा है? 2. 2 इज अ नॉन जीरो नंबर, दैट्स व्हाई कंडीशन इज ट्रू. कंडीशन ट्रू है देन बॉडी पार्ट में टोटल कितने स्टेटमेंट इंटरप्रेट करेंगे इस केस में? 5 स्टेटमेंट. मींस यहां मैं स्टैक के फॉर्म में राइट डाउन कर लेता हूं 1 2 3 4 5. फर्स्ट वन, सबसे पहले इसका फर्स्ट केस प्रोसेस करेंगे. दैट वन फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या? प्रिंट एफ एक्स वाई. तो एक्स का वैल्यू कितना फाउंड हो रहा है करंटली? 2. वाई का वैल्यू कितना है? 2. आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा 2 2. नेक्स्ट वन, सेकेंड स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे. सेकेंड के अकॉर्डिंग क्या है? एक्स माइनस माइनस. नाउ वैल्यू ऑफ एक्स बिकम्स 1. नेक्स्ट वन थर्ड केस में क्या है? थर्ड केस प्रोसेस करें. थर्ड स्टेटमेंट क्या है? वाई माइनस माइनस. दैट वन वाई माइनस माइनस हो तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑल्सो 1. नेक्स्ट वन फोर्थ केस, फोर्थ स्टेटमेंट क्या फाउंड हो रहा है इन दैट केस? अगेन कॉलिंग मेन फंक्शंस. फोर्थ केस में जैसे मेन फंक्शन कॉल हो तो अगेन कंट्रोल कहाँ सेंड करें? हेडर ऑफ द मेन फंक्शंस. मीन्स प्रीवियस जो एग्जिस्टिंग मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन चला उसमें टोटल 4 स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुके, लेकिन अभी पेंडिंग ऑप्शन क्या? 5th 1. नेक्स्ट टाइम जब कंट्रोल वापस आएगा देन चांस किसको मिलेगा? 5th को. मीन्स प्रीवियस केस में ऑलरेडी स्टैक में लोड किया है मेन फंक्शन. नेक्स्ट टाइम जब सेकेंड टाइम अगेन मेन फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल कहाँ सेंड होगा? हेडर ऑफ द मेन. अगर आप इस केस में सीक्वेंस मार्क करना चाहे तो सीक्वेंस क्या हो? प्रीवियस केस सीक्वेंस क्या था? 4. देन दिस वन इज 5th 6 7 8. 8 का कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ? अगेन हेडर 9. देन अगेन जब कंट्रोल एंटर हो देन परफॉर्म क्या हुआ? 10th. मेमोरी एलोकेशन फॉर इट्स लोकल और ऑटो लोकल वेरिएबल्स. मीन्स अगेन फिर से क्रिएट क्या हुआ? वाई. y कितनी बार क्रिएट हुआ डिपेंड करेगा हाउ मेनी टाइम्स मेन इज कॉल्ड. लेकिन x कितनी बार कॉल होगा? ओनली 1 टाइम. एवरी टाइम मेन के रिस्पेक्ट में टोटल कितने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने नीड है? 5. नेक्स्ट टाइम प्रीवियस मेन का भी 5th ऑपरेशन पेंडिंग है, इसलिए कंटिन्यू क्या करें? अगेन एग्जीक्यूशन. अगेन फिर से y क्रिएट होगा तो y में कैसा हो जाएगा? 2. लेकिन x का भी ओल्ड वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है? 1.
नेक्स्ट टाइम कंडीशन में पास होगा x, x का वैल्यू 1 है, पास क्या करेंगे 1। देन अगेन इस इफ कंडीशन के केस में इफ कंडीशन 2 है, अगेन 5 स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे। देन फर्स्ट, जब फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ, डिस्प्ले क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ x y, करेंटली x का वैल्यू फाइंड हो रहा है 1 और y का वैल्यू 2, दैट्स व्हाई वी आर डिस्प्लेइंग 1 2। नेक्स्ट वन सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट कंप्लीट करने के रिस्पेक्ट में सेकेंड केस क्या है, एक्स माइनस माइनस, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में 0। नेक्स्ट वन वी आर कंप्लीटिंग थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, वाई माइनस माइनस, अब वाई बिकम्स 1। फोर्थ स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगेन इस केस में कॉल क्या हो रहा है, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन कॉल हुआ, अगेन हेडर कंट्रोल कंस्ट्रेंट हुआ हेडर ऑफ द मेन फंक्शन। वन मोर थिंग्स, अगर इसके सिक्वेंस को कंटिन्यू करें 10 11 दिस वन इज 12 प्रिंट एफ 13 14 एंड 15 15 का अगेन जब मेन फंक्शन कॉल हुआ तो इसका लास्ट ऑपरेशन कैसा, अभी भी पेंडिंग, फिफ्थ वन मीन्स दैट प्रिंट एफ स्टेटमेंट। अगेन 15 का 16 केस क्या, कॉलिंग मेन फंक्शन, जब मेन फंक्शन में फिर से कंट्रोल एंटर हुआ देन मेन फंक्शन लोड कहाँ हो जाएगा, टॉप ऑफ द स्टैक, अगेन वी आर एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर वेरिएबल वाई विद इनिशियल वैल्यू, वाई का अगेन इनिशियल वैल्यू क्या होगा 2। देन मेन के केस में नेक्स्ट टाइम चेक करेंगे अगेन कंडीशन, कंडीशन क्या पास हो रहा है, एक्स का वैल्यू 0, इस कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इसके लिए कोई भी आउट ऑफ देम फाइव स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने नीड नहीं, मीन्स कंट्रोल कंस्ट्रेंट डायरेक्टली इट्स कॉलिंग प्लेस, जब कंट्रोल कॉलिंग प्लेस पर आएगा तो देन अगेन कंटिन्यू क्या होगा, नेक्स्ट रिमेनिंग स्टेटमेंट, और रिमेनिंग स्टेटमेंट क्या है फिफ्थ, फिफ्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएंगे इसके लिए, मीन्स दैट वन प्रिंट एफ, फिफ्थ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक्स का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है, एक्स सभी के लिए कॉमन है 0, तो एक्स के केस में क्या डिस्प्ले होगा 0, लेकिन वाई के केस में बात करें तो वाई का वैल्यू क्या प्रिंट होगा इस केस में, वाई का वैल्यू फाउंड हो रहा है 1, दैट्स व्हाई 1 इज डिस्प्लेड। नेक्स्ट वन अगेन इसके पांचों स्टेटमेंट कंप्लीट होने का कंट्रोल कंस्ट्रेंट इट्स कॉलिंग प्लेस, कॉलिंग प्लेस पर अगेन पेंडिंग ऑपरेशन क्या फिफ्थ, फिफ्थ ऑपरेशन कंप्लीट करें देन डिस्प्ले कराएं वैल्यू ऑफ एक्स वाई, तो एक्स का वैल्यू अभी भी क्या है 0, एक्स सभी के लिए कॉमन है लेकिन y के केस में क्या फाउंड होगा इसके, y में y का वैल्यू क्या है 1, इसलिए डिस्प्ले क्या होगा वैल्यू एज 1। देन इसके कंप्लीट स्टेटमेंट हो चुका है, देन कंट्रोल कंस्ट्रेंट होगा रिटर्न बैक टू ओएस और कॉलिंग प्लेस, दिस इज द फाइनल आउटपुट रिगार्डिंग recursion।